हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं कि रिटायरमेंट क्या है। देखो, फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर हैं सभी के पास राइट है, वो जब चाहे फर्म में से रिटायरमेंट ले सकते हैं, या फिर कई बार पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन है कि ये पार्टनर इस डेट को रिटायर हो जाएगा। तो या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन हो और या पार्टनर के पास अपना राइट है, वो जब चाहे फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन रिटायरमेंट से पहले उसको एक नोटिस दे देना चाहिए फर्म को कि मैं इस डेट को रिटायर होना चाह रहा हूँ। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कई नाम से बुलाते हैं, जरा एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। देखो, ये तीन पार्टनर हमने लिए ABC, इनमें सी रिटायर हो रही है वाला पार्टनर, इसको किस किस नाम से बुला सकते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में जरा देखते जाओ। रिटायरिंग पार्टनर तो नॉर्मल है, इसी को आउटगोइंग पार्टनर बोलते हैं, इसी को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। आउटगोइंग का मतलब ये पार्टनर जा रहा आउट हो रहा है, सैक्रिफाइस का मतलब ये अपने प्रॉफिट का सैक्रिफाइस करके जा रहे हैं। अब आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी कौन बचेगा? खाली ये दो पार्टनर। इन दो पार्टनर को भी अलग अलग टर्म्स में बुलाएंगे, या तो रिमेनिंग पार्टनर बोलते हैं जर्नली, उसके बाद इन्हीं को बोलते हैं गेनिंग पार्टनर और इन्हीं को बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो इसके भी तीन नाम है, जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए हमारे पास, और जो रिटायर हो रहा है उसके भी तीन नाम हो गए, रिटायरिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ऐसे ही तीन इसके हुए। अब इस चैप्टर में टॉपिक क्या क्या कवर करते हैं वो देखते हैं। देखो, यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसा ही है ये चैप्टर, जैसे आपने एडमिशन में रिवैल्यूएशन बनाया था, सेम रिवैल्यूएशन यहाँ पर भी बनता है। जैसे एडमिशन में आपने सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट किया था, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टनर थे वो सैक्रिफाइस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकलता है क्योंकि यहाँ पर अदर पार्टनर को गेन हो रहा है। तो आपको काफ़ी इजी चैप्टर लगेगा क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें इसकी एडमिशन से ही मिलती जुलती हैं। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। नंबर एक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, या गेनिंग रेशियो ना आ गया, वहाँ सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करते थे या गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो वहाँ पर भी कैलकुलेट करते थे और यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है, क्यों रेशियो चेंज होगा। नंबर दो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, ये जैसे एडमिशन में करा था सेम रिटायरमेंट में भी है। इसी तरीके से रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये भी वैसे ही करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे एडमिशन में बनाया। फिर अमाउंट कैलकुलेट करना है जो रिटायरिंग पार्टनर की तरफ ड्यूज बनेगा, जो जो उसे पे ऑफ हमें करना है। पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यदि हमने उसको कुछ पेमेंट करी, और साथ में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले आज टॉपिक कवर करते हैं न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। तो भाई, अब कैसे कैलकुलेट होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो देखते हैं। देखो, दो मेथड है ये बनाए हुए, अपनी तरफ से ध्यान रख लेना कि इजी तरीके से हमें समझ आ जाए। एक है सिंपल मेथड, एक है टेकन अप एक्वायर या सरेंडर वर्ड आ जाए। कैसे पता चलता है, सुनते जाओ। अभी जब आपको क्वेश्चन पूरा दे रखा होगा, पार्टनर बता रखे होंगे, ये बता रखा होगा पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, देन वी विल से सिंपल मेथड। और बहुत आसान मेथड होता है, तीनों का शेयर लिखो, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हाइड करो, न्यू रेशियो आ जाएगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर है। या फिर टेकन अप कब अप्लाई होगा, जब स्टेटमेंट है पार्टनर बता रखे हैं यही है, ये रिटायर हो रहा है और उसके पार्टनर के शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि कौन कितना टेकन अप करता है या एक्वायर करता है या सरेंडर। तो अब जब क्वेश्चन करते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम TS ग्रेवाल। तो दो मेथड आप याद रख लो, एक सिंपल मेथड है जब रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तब कैसे कैलकुलेट है, और यदि मान के चलो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई कि उसके शेयर को कैसे टेकन अप हुआ, तब इस मेथड से कर लेंगे। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा है, गीता राधा एंड गारू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ गारू रिटायर। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल मेथड है, याद रख लो, अभी आपको बताया था। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, पहले तो जो जो पार्टनर है वो लिख दो, गीता राधा और गर्व लिख दो। एक तो आपको गीता दे रखा है, एक राधा और एक तीसरा है गर्व। चलो इनके रेशियो लिख लो, कितने रेशियो दे रखे हैं। एक का दे रखा है 1/2, दूसरे का रखा है 2/5, तीसरे का दे रखा है 1/10। पहले तो इनके बेस इक्वल होंगे, याद रखो, तब रेशियो का पता चलेगा। ये रहा, इनके बेस इक्वल करते हैं तो LCM ले लो 10, 10 LCM लोगे तो ये तो 5 आ गया, ये इसको करते हो तो ये 4 आ गया, इसको करते हो तो 1, तो आपके पास रेशियो तो आ गया 5:4:1।
अब कौन रिटायर हुआ आपको याद हो? गर्व। ये तो आ गया, अभी इसी रेशियो को हमने ये बना लिया, ये हमारा ओल्ड रेशियो है, नोट कर लेना, जो तीनों पार्टनर का था। क्या लिख लो? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा, नोट करो ये रहा, सिंपल मेथड में। सिंपल मेथड था रिटायर कौन हो रहा है? गर्व। ये रहा, यहां लिख लो गर्व रिटायर। उसके बाद न्यू रेशियो क्या आएगा जरा चेक करते हैं। ये रहा, इसके शेयर को हाइड करो, कितना रेशियो आ गया? 5:4, इट इज द आंसर। नोट करो, बहुत इजी है, सिंपल मेथड ध्यान रख लो। ओल्ड पार्टनर का शेयर लिख लो, जो उसमें से रिटायर है उसके शेयर को हाइड कर दो, जो बचेगा वो क्या आ गया आपका? न्यू रेशियो। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, दो पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। लिखा हुआ है शिव मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:5:4। मोहन रिटायर्ड एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरी। आ गया ये कि उसके शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, तो सेकेंड मेथड है, कैसे करेंगे? लिखो, सबसे पहले पार्टनर लिख लो, शिव मोहन और हरी। लिखो शिव मोहन और हरी, कितना कितना रेशियो दे रखा है इनका? इनका रेशियो दे रखा है 5:5:4, ये तीनों का रेशियो दे रखा है, नोट करना। और इसमें से मोहन यानी के बीच वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये मोहन है, पर मोहन का शेयर है 5/40, नोट कर लेना। और इसको कौन टेकन अप करता है? रिमेनिंग पार्टनर इक्वली शिव और हरी, किस रेशियो में टेकन अप करते हैं? लिख लो ये रहा, 1:1 में। कैसे करेंगे? या लिखो कितना करता है शिव, टेकन करता है उसके शेयर को, पहले उसका शेयर लिखो, कितना शेयर है? 5/14, ये दो में डिवाइड होगा क्योंकि ये तो इसका शेयर था मोहन का। किस रेशियो में डिवाइड होगा? क्वेश्चन में मेंशन है कि डिवाइडेड बाय इक्वली, उन दोनों को इक्वल, तो इक्वली का मतलब दोनों का शेयर मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू करो इसे, कितना बन गया? 5/28, तो इसको मिला। उसके बाद हरी को कितना मिला? हरी टेकन अप करता है, कितना टेकन अप करता है? लिख लो, शेयर लिखो पहले किसका? मोहन का। और किस रेशियो में टेकन अप किया? बराबर किया, तो सेम आएगा 1/2, 5/28 इसको मिल गया। ये चीज क्लियर है? अब जरा इसको निकालते हैं कि इनका शेयर कितना बना। यहां लिखो न्यू शेयर ऑफ शिव, उसका शेयर अब इंक्रीज होगा। देखो पहले शेयर था उसका 5/14 ये रहा, और प्लस उसने टेकन अप कर लिया मोहन के शेयर को, कितना? 5/28, प्लस कर दो उसका शेयर इंक्रीज हो जाएगा। LCM ले लो, LCM 28 आया, ये 2 पे गया तो ऊपर 10+5, यानी कि इसका आ गया 15/28। ऐसे ही अगले का करो, न्यू शेयर ऑफ हरी, हरी का शेयर लिख दो कितना आ रहा है, ये रहा 4/14, और प्लस करो कितना टेकन अप किया? 5/28, LCM ले लो 28, ये तो गया 2 पे, तो 8+5 कितना आ गया? 13/28, दोनों के बेस इक्वल है, देन वी कैन से न्यू रेशियो आपका आ गया। बहुत आसान है निकालना, नोट कर लो, कितना आ गया? 15:13, इट इज आवर आंसर, नोट करो ये रहा। कैसे किया? पहले शेयर लिखेंगे याद रख लो, फिर जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर लिख लो यहाँ पर, ये किस में बटेगा? दो जनों में लिखा हुआ है, किस रेशियो में? बराबर, या अनइक्वल भी होगा तो अनइक्वल में कर देंगे, जो मेंशन होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। उसमें मेंशन था इक्वली तो 1:1 में लिया, 1:1 में, या कैलकुलेट कर लो शिव ने कितना टेकन करा, 5/14 तो टोटल है जो दो में डिवाइड होगा, 1/2 और 1/2 इतना हुआ। फिर इसको क्या करो, जो इनका ओल्ड रेशियो था शिव का उसका शेयर इंक्रीज होगा, क्योंकि जब रिटायरिंग पार्टनर जाएगा तो वो अपना शेयर किसी को देके जाएगा, तो कितना दिया उसने? 5/28, ये रहा, ये आ गया। ऐसे दूसरे का करो, अब इसका करते हैं बी पार्ट। भैया अब बी पार्ट करते हैं, बहुत ईजी है, सिंपल मेथड से है। लिखा है पी क्यू आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1। कहता है पी रिटायर फ्रॉम द फर्म, पी रिटायर हो गया तो पहले उनके शेयर लिख लो, ये दे रखा है पी क्यू एंड आर, और उनका रेशियो दे रखा है 5:4:1, ये तो ओल्ड रेशियो है, नोट कर लेना। इसमें से पी रिटायर हो रहा है, लिख लो पी रिटायर, और न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? लिख दो न्यू रेशियो, न्यू रेशियो बताया था आपको, क्या बताया था? पी रिटायर हुआ, उसके शेयर को हाइड कर दो, क्या रे आ गया न्यू रेशियो? 4:1, इट इज द न्यू रेशियो। ये किस किस का आ गया? क्यू एंड आर, याद रख लेना, सिंपल मेथड बहुत आसान है, याद रख लो, शेयर को हाइड करो, जो बच गया वो न्यू रेशियो हो गया। तो ये तो बन गया हमारा इसका बी पार्ट। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं रीड करता हूं, आप देखो, आर एस एंड एम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/5, 2/5 एंड 1/5। एम डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द
बिजनेस एम रिटायर हो रहे हैं एंड इज शेयर इज टेकन अप बाय द आर एंड एस इन द रेशियो ऑफ 1:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले तो पार्टनर के नाम लिख लो। RSM, इनका रेशियो दे रखा है 2/5 और ये भी दे रखा है 2/5 और ये भी दे रखा है 1/5। तो रेशियो तो हमें पता चल गया, कितना रेशियो आ गया 2:2:1। क्लियर है? जब बेस इक्वल है तो हमें बेस इक्वल करने की जरूरत ही नहीं थी, तो रेशियो को पहले तो इस फॉर्म में लिख लो। ये तो ओल्ड रेशियो गिवन है। अब यहां पर चेक करो कौन रिटायर है, एम रिटायर, लिख लो एम रिटायर हो रहा है। और उसके शेयर को कौन टेकन अप करता है, नोट करो, लिखा हुआ उसके शेयर को टेकन अप आर और एस करते हैं, किस रेशियो में करते हैं, 1:2। पहले तो इसका शेयर लिख लो एम का, कितना शेयर है एम की बात करो, ये रहा 1/5। किस रेशियो में टेकन अप हुआ, 1:2 में। किस किसने टेकन अप किया, ये आर और एस ने। तो यहां लिखो आर कितना टेकन अप करता है, लिख लो शेयर, लिखो एम का, एम का शेयर है ये रहा 1/5, ये लिखा हुआ। और इंटू किस रेशियो में टेकन अप था, 1:2, यानी कि 1/3, लिख दो 1/3, कितना आ गया 1/15। ऐसे एस कितना टेकन करता है वो लिख दो, पहले तो उसका शेयर एम का 2/3 में ले रहा है, तो 2/15। तो हमें अब ये तो पता चल गया कि ये जो रिटायर हुआ था इसके शेयर को कौन कौन टेक ओवर कर गया, ये तो इतना ले गया और ये इतना। तो अब न्यू रेशियो कैसे होगा, उसमें ऐड कर देंगे इसको। लिखो न्यू शेयर ऑफ आर, पहले तो आर का शेयर लिखो जो पुराना था, उसका शेयर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जो रिटायर होगा अपना शेयर छोड़ के जाएगा। इसने कितना टेक किया, ये रहा 1/15, लिख दो एलसीएम ले लो, यहां पर 15 आ गया। इसको करते हो तो ये आपका 3 और 2 6+1 कितना आ गया, 7/15। ऐसे लिखो न्यू शेयर ऑफ एस, पहले एस का शेयर लिख दो, एस का शेयर 2/5 है बाई चांस, और प्लस कितना टेकन करता है 2/15, लिख दो एलसीएम ले लो 15। ये तो 6+2 कितना आ गया, 8/15 आपका न्यू रेशियो आ गया। लिख दो न्यू रेशियो कितना आया, काफी आसान है, याद रख लो एडमिशन से आसान है न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। रिटायरमेंट में दो ही मेथड है, पहला तो बहुत ईजी है सिंपल, जो रिटायर हुआ उसके शेयर को हाइड करा, न्यू रेशियो निकल गया। टेकन अप में पहले कैलकुलेट करो कितना टेकन अप, उनके रेशियो में ऐड कर दो। क्लियर हो गया? तो ये तो आ गया आपका न्यू रेशियो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ रीड कर रहा हूं, आप देखिए। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/3/10 एंड 1/5। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स वेन वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म। वाई रिटायर हो रहा है तो इसका मतलब पहले तो हमें न्यू रेशियो की जरूरत है, क्योंकि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला याद रख लो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जैसे सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो का उसका रिवर्स है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमें न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट है। पार्टनर के नाम लिखो पहले, कौन कौन दे रखे हैं, एक दे रखा है एक्स वाई, एक दे रखा है जेड, इनके रेशियो लिखो कितने कितने दे रखे हैं, 1/3:10 और एक तो 1/2 दे रखा है, ये 3/10 दे रखा है और ये आपको दे रखा है 1/5। पहले तो इनको बेस इक्वल करने होंगे, क्योंकि बेस इक्वल नहीं है तो एलसीएम ले लो आप, एलसीएम ले लिया 10 तो ये तो बन गया 5, इसको करते हो तो ये बन गया 3, इसको करते हो तो ये बन गया 2। तो हमें ये तो पता चल गया 5:3:2, इट इज द ओल्ड रेशियो। यहां पर कौन रिटायर है, वाई रिटायर है, नोट करो। अब वाई रिटायर हुआ, टेकन अप है या सिंपल मेथड है, नोट करो। क्या वाई के शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, कोई नहीं। वाई के शेयर को हाइड करो, न्यू रेशियो आ गया, लिख दो जी यहां न्यू रेशियो। बहुत आसान है पहला सिंपल मेथड, कितना आ गया 5:2, इट इज द न्यू रेशियो। अब हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो, तो यहां हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अच्छा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लो आप, शॉर्ट में लिखते हैं गेनिंग रेशियो, जी आर मतलब गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये निकालना है। किस किस का निकालना होगा याद रख लो, गेन किसको हुआ होगा, रिटायरिंग तो सेक्रीफाइस करता है, रिमेनिंग जो बच गए, रिमेनिंग कौन बच गए, एक्स और जेड, उनका निकलेगा गेनिंग रेशियो। जैसे एडमिशन में भी याद करो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका निकलता था, खाली ओल्ड पार्टनर का। रिटायरमेंट में गेनिंग किसका निकलेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर रिटायरिंग को छोड़कर, यानी कि एक्स और जेड। यहां लिखो एक तो एक्स का निकालो और एक जेड का निकालो। फार्मूला क्या बताया था, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना आया 5/7, इसका कितना आया 2/7, माइनस करो ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ये रहा 5/10, इसका कितना था 2/10। चलो पहले इसको एलसीएम ले लो, 70 आ गया, करते हो तो 10 50 और माइनस 35, ये बन गया 15/70।
अब इसको करते हो तो 10 पे गया, 10 टू जा 20 और माइनस 7 14, इसका आ गया 6/70। तो ये तो बेस इक्वल दिख रहे हैं आपको, तो गेनिंग रेशियो तो आपको नजर आ गया, कितना आ गया 15:6। ये अभी रैशलाइज हो सकता है, इसको रैशलाइज कर दो, 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, कितना आ जाएगा 5:2, इट इज द गेनिंग रेशियो। यही आंसर निकालना था हमें, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन हो गया हमारा फोर्थ। अब करते हैं एक और क्वेश्चन फिफ्थ, तो मैं रीड करता हूं, आप देखो। लिखा है सार्थक वंश एंड वांशी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। आपको तीन पार्टनर और उनका रेशियो दे रखा है। सार्थक रिटायर हो रहे हैं, फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो रहे हैं। वंश एंड वांशी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, इट इज द न्यू रेशियो, याद रखना। उनका फ्यूचर का रेशियो दे दिया। कहता है डिटरमाइन गेनिंग रेशियो, खाली गेनिंग रेशियो निकाल लें। पहले पार्टनर लिखो, सार्थक वंश और मानसी लिखो इनका, सार्थक वंश और मानसी इनका रेशियो लिख दो जितना दे रखा है आपको। रेशियो दे रखा है 4:3:2, इट इज द ओल्ड रेशियो, नोट रख लेना। अच्छा, इसमें से कौन रिटायर हो गया, याद रखो सार्थक। तो आपका न्यू रेशियो दे रखा है वंश और मानसी का, कितना कितना दे रखा है 2:1, वो लिख दो यहां पर 2:1, इट इज द न्यू रेशियो। यानी कि हमारे पास दो रेशियो तो गिवन ही है क्वेश्चन में, ध्यान रख लो। वंश ये रिटायर हुआ है सार्थक, ध्यान रखना। गेनिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकाल दो, किस किस का निकलेगा गेनिंग रेशियो, लिख दो यहाँ गेनिंग रेशियो। फार्मूला लिखो पहले, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो जी, किस किस का निकलेगा आपको बताया था, गेन किसको हुआ होगा, वंश और मानसी को। ये तो सेक्रीफाइस करके जा रहा है जो रिटायरिंग पार्टनर है। निकालो वंश का कितना आया, वंश का लिखो पहले न्यू रेशियो 2/3, ओल्ड रेशियो लिखो 3/9, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम आ गया 9, 3 पे गया 6-3, कितना आ रहा है 3/9। ऐसे ही अब मानसी का निकालो, मानसी का कितना आ रहा है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिखो पहले 1/3, ओल्ड रेशियो लिखो 2/9, एलसीएम ले लो 9, 3-2, कितना आ गया 1/9। दोनों के बेस इक्वल दिख रहे हैं, गेनिंग रेशियो आ गया आपका, कितना आ गया 3:1, इट इज द आंसर, नोट करो। यही हमारा आंसर है, हमें गेनिंग ही निकालना था, बहुत आसान था। फ्यूचर रेशियो का मतलब होता है न्यू रेशियो, याद रख लो, क्वेश्चन में गिवन था, ओल्ड रेशियो दे रखा था, खाली क्या निकालना था गेनिंग रेशियो। तो अब आज हमारा अब ये फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहाँ तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू लास्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।